हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं सीपी फोटोशूट करवाने। जिस दिन मैं मेकअप नहीं कर रही होती हूँ ना कुछ भी, उस दिन मैं ठीक लग रही होती हूँ। तो मेरा आउटफिट है ये, जी होती हूँ और मुझे अपने ही शेड की गंदी लिपस्टिक मिली है। छोड़ो, तो चलते हैं सीपी। और क्या, फोटोशूट करवाने। मैंने कैमरामैन से बात भी कर लिया है और मेन तो हमारा काम सीपी में यही था कि हमें सीपी जाना था एक दिन का टाइम निकाल के फोटोशूट के लिए। तो आज वो टाइम हमें मिल चुका है तो हम जा रहे हैं सीपी। तो कैसा लगा मेरा चश्मा यार? मुझे एक दीदी का ना डायलॉग याद आया, मुझे याद नहीं आ रहा अब। वो बीच से सलमान खान मांग नहीं करता, तो एक मूवी है पता नहीं क्या नाम था, भूल गई मैं। दीदी को बोलना पड़ेगा, दीदी कमेंट कर देना मूवी का नाम मुझे याद नहीं है। तो जब मैं बीच की मांग करती हूँ ना तो दीदी वही बोलती है मेरे को। तो कैसा लग रहा है? और मेरा एक और चश्मा था वो शायद जिया के पास रह गया। हाँ, मेरी जिया से भी बात बंद हो गई है। वो बात अलग है, मेरी किसी से बनती नहीं है लेकिन हो गई है, बिकॉज मैंने उसके साथ घूमना छोड़ दिया। तो मिल जाते हैं यार, दोस्तों को भी दोस्त मिल ही जाते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी कोई दोस्त नहीं है तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं खुश हूँ। फाइन, ये दोनों गंदे इंसान हैं, मेरे को गंदे ही लगते हैं हमेशा। मेरी बातें यही खत्म हो गई है। अचानक वाला करियो तू करके दिया बना ना, बना जैसे क्यों बना रहा है। यो यो ये दोनों एक पागल है। बोल दे इसको, बोल इसको, बोल ना दोनों को। अब बोल क्या से पागल लोग हैं ये लोग। ऐसे क्या था, ऐसे ऐसे क्या, इसको इस पे डाल दिया और दर्द हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है। यहाँ से व्यू मतलब हाँ बुरा है, वहाँ से अच्छा होता है। तो इन दोनों खतरों ने सेम सेम पहन रखा है और मैंने पूरा ब्लैक आउटफिट कर रखा है। तो लगाओगे तुम दोनों परफ्यूम? लगाओगे और परफ्यूम लगाना है? इन दोनों का अजीब फील हो रहा है, भर भर के परफ्यूम इन दोनों ने ही लगा लिया है। दोनों ने कहा समझ नहीं आ रहा कि हम एग्जिट कैसे करें। बात तो कर देते हैं, 170 रुपये सिर्फ एक टिकट के हैं, इतने पैसे एग्जिट में वेस्ट करने से अच्छा है कि हम घर चले गए। समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें। अब जगह मेट्रो में ही घूम के हम पहुंच चुके हैं जीडीबी नगर के एग्जिट पे। और ये गलती हाँ मेरी थी कि मैंने हवा से काफ़ी बार लोगों की टिकट उड़ जाते हैं तो मेरा भी उड़ गया। अब हम यहीं फंस गए बीच में, मैं घर जाके बताऊंगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। फिर फंस गए हम यहाँ पर क्योंकि हम नहीं चल सकते हैं, टिकट निकलवाई थी ना। तुम लोग और चिल्लाओ, तो हम तीनों एग रोल खा रहे हैं। सॉरी रोल खा रहे हैं हम, एग रोल नहीं खा सकते सॉरी, बिकॉज सावन चल रहा है। तो मैंने तो प्याज भी एकदम प्रॉपर तरीके से निकलवा लिया, ये प्याज खा रहा है और उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो आज हमें इतना बुरा फंसे थे कि मेट्रो में हमें दूसरी साइड के इंसान से ये बोलना पड़ गया कि
आप प्लीज़ हमें टिकट ला के दे सकते हो, बिकॉज हम तो यहाँ फंस चुके हैं और हमें बाद में वहाँ पर 170 रुपये देने से तो बेहतर था, ठीक है। उसके बाद फंस गए थे यार हम, ना इधर के ना सीपी जा पा रहे थे, ना हम यहाँ पर आ पा रहे थे, कुछ भी नहीं, ऊपर से बीच में ही अटक गए थे हम, कुछ नहीं कर सकते थे। आज पूरा दिन कलेश में चला गया, घर से निकले ही कलेश करके थे ना, तो पूरी टाइम मेरे से कलेश ही हुआ है। और मैं भी बीच बीच में इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरे को खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, मैं तुरंत चिल्ला जाती हूँ, चिख जाती हूँ, मेरा गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है कुछ भी, मैं तुरंत पागल हो जाती हूँ एकदम, कि हाँ मैं बंदे को, अगले बंदे को जान से मार दूँ। ओके, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, ओके बाय, मिलते हैं अगले बार, बाय बाय, दिमाग खराब मेरा।